हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ प्याज और बेसन की सब्ज़ी। इसको आप पंजाबी कढ़ी पकौड़ा भी बोल सकते हैं। ये पंजाबी कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 से 4 प्याज। आप जितने भी मेंबर है उसके हिसाब से प्याज ले सकते हैं। और मैं जो काट रही हूँ वो लच्छे वाला काट रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको कद्दूकस में कद्दूकस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पंजाबी कढ़ी पकौड़ा जो है लोग कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं जो प्याज काट रही हूँ कुछ इस तरीके से बनाएंगे तो आपके जो पकौड़े हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे। कुछ इस तरीके से उसको क्रश कर दीजिए, इसके लच्छे अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद हम लेंगे एक दूसरा बर्तन, और बर्तन में मैं लूँगी यहाँ पर कुछ बेसन। अब कुछ बेसन में मैं, जैसे कि आपको ज़रूरत के हिसाब से बेसन लेनी है, प्याज में जितना आपका वो आ पाएगा, नमक स्वादानुसार, साबुत जीरा, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा डाला है, हल्दी नाममात्र, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट कूटा हुआ, और साथ में डालेंगे जो प्याज हमने काट के रखा था वो। तो यहाँ पर आप प्याज को कद्दूकस भी कर सकते हैं या इसको मेरे तरीके से काट भी सकते हैं। मैं इसमें पानी के बदले दही डाल रही हूँ, आप लस्सी भी डाल सकते हैं। इसको लस्सी या दही के साथ ही गूँथा जाता है, मतलब इसको घोला जाता है, और आप ध्यान से इसको घोलें, क्योंकि इसमें अगर पानी की मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई तो फिर आपके पकौड़े इतने अच्छे नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, लूज ही बनाना है, मतलब बहुत सख्त नहीं बनाना, इसको थोड़ा ढीला ही बनाना है। अभी नमक डाल के मैंने इसको छोड़ दिया है। चलिए कढ़ाही लेते हैं, कढ़ाही में तेल को गर्म करते हैं। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई और रिफाइंड वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने पकौड़े का जो बेस तैयार किया था बेसन और प्याज का, उसको कुछ इस तरीके से मैं अपने हाथों से डाल रही हूँ। अगर आपको हाथ से डालना नहीं आता हो तो आप एक चम्मच ले लें और चम्मच से धीरे धीरे करके डाल दें। मैं इसमें थोड़ा सा जगह बना के इसके अंदर और भी पकौड़े भर दूँगी। जितना आप तेल लेते हैं ना, उसी उतना ही आप इसके अंदर पकौड़े डालें। पकौड़े बिल्कुल ही कुरकुरे बनाने हैं हमें, बिल्कुल ही ऐसे कच्चे वाले पकौड़े नहीं बनाने। और ये लच्छे तरीके से जो मैंने काटा है ना, इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत ही अच्छे से ये पकौड़ा कुरकुरी बनती है। अगर आप कद्दूकस कर देंगे तो वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि वो गलने लगता है प्याज अंदर से, और फिर इतना कुरकुरा नहीं बनता है। चाहे तो उसको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बेसन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसमें, लेकिन इसमें थोड़ा प्याज थोड़ा बेसन दोनों चीज़ें बराबर है। ये पकौड़ा अब थोड़ा थोड़ा सा हो चुका है, जो कच्चे हैं उसको फिर से पलट के इसको बना लेंगे। 2 बार में हुआ था, जैसे कि मैं 2 बार तो नहीं दिखा पाऊँगी, 1 बार आपको दिखा देती हूँ। कई बार मैं वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि जैसे होता है कि 2 बार दिखाया तो 2 बार में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। चलिए, हमारा पकौड़ा तो तैयार हो गया। अब उसी पकौड़े वाले जो बर्तन थे उसमें थोड़ा सा बेसन रह गया था, मैं उसी में फिर से थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ। 3 चम्मच डाला बेसन, 1 कटोरी दही, और इसको फेंट लेंगे। फेंटने का है कि मतलब बिल्कुल ही इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए, आपको अच्छे से इसको फेंटना है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसकी कढ़ी के लिए हम ये तैयारियां कर रहे हैं, तो कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए पकौड़ा तैयार है। कढ़ी के लिए यहाँ पर बेसन और दही को घोल लिया, चलिए ये भी तैयार है। अब जो तेल उसके अंदर बचा था ना, जो पकौड़ा तलने के बाद, मैंने उसी में फिर से 1 प्याज काट के डाल दिया तड़के के लिए, और उसको थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हमें भूनना है, हल्का हल्का ही भूनना है। और जब भी प्याज लगे हल्का भून गया है तो इसमें 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 या 2 डाल सकते हैं आप। यहाँ पर 5 फोरन डाल रही हूँ, तो 5 फोरन में मेथी और साबुत जीरा, ये 2 चीज़ें डाली जाती है, या फिर सौंफ या धनिया, कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, पर मैं 5 फोरन डाली हूँ। 5 फोरन मतलब 5 चीज़ें हैं उसके अंदर, उसमें धनिया भी है। जब ये सारी चीज़ें पक जाए कढ़ी में, और कढ़ी पत्ता भी मैंने डाला है इसके अंदर, उसके बाद हम इसके अंदर जो कढ़ी तैयार करके रखी थी वो डाल देंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके का ये कढ़ी दिख रहा है। अब इसके अंदर हमें कुछ ड्राई मसाले डालने हैं, थोड़ा सा जैसे ही उबाल आने लग जाएगा तो इसमें जो बचा हुआ घोल का जो पानी होता है वो डाल देंगे। साबुत जीरा डालेंगे, 1 से 2 चम्मच धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इसमें तीखापन नहीं होता तो ये कलर के लिए डालते हैं। गरम मसाला ज़रूर डालना है, बिना गरम मसाले के ये नहीं बन पाएगा।
और इसको अच्छे से हमें चला लेना है। कुछ ड्राई पाउडर हमने ऊपर से डाल दिए। तो यही फ़र्क होता है पंजाबी कढ़ी पकौड़ा और जो हम लोग नॉर्मल पकौड़ा बनाते हैं कढ़ी, तो उसमें इसमें सारी चीज़ें ऊपर से डलती हैं और हम लोग पहले ही डाल देते हैं तो थोड़ा जल जाता है। चलिए ये थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं कि ये पकने लगा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, नमक नहीं डाला था और पकौड़े के अंदर डाला था हमने। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। कढ़ी काफ़ी गाढ़ी है तो इसमें अभी हम पानी और डालेंगे, क्योंकि नहीं तो ये बाद में चल के बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से इसमें पानी डाल के और फिर से इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। इसको उबलना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी देर तक हमें उबालना है और मीडियम टू स्लो आँच पर हमें उबालना है। इसके अंदर जाएगा काला नमक, सौंफ का पाउडर एक चम्मच मैंने डाला है। सौंफ पाउडर पहले से ही बना के रख लें। सौंफ को बस पीस लेना है, उसे फ्राई मतलब रोस्टेड भी नहीं करना, सीधा पीस लेना है। उसके बाद इसको हम चलाते रहेंगे। ये बहुत अच्छे से इसको पकना ज़रूरी है, इसलिए धीमी आंच पर या मीडियम आंच पर आप इसे पकाते रहें। अब इसके अंदर जो पकौड़े हमने पहले तैयार करके रखे थे वो पकौड़े डाल देंगे। पकौड़ा डालने के बाद भी हमें इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू स्लो आंच पे पकाना है ढक के। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये पंजाबी कढ़ी पकौड़ा या बेसन और प्याज की ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तड़का लगाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच घी। घी जब भी पिघल जाएगा तो इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा हींग, और हींग डालने के बाद 2 साबुत लाल मिर्च। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा राई, जिसको आप सरसों भी बोल सकते हैं, काली सरसों जो होती है, या राई जो हम पोहा वगैरह में डालते हैं वो है। और इसके बाद इसको कड़कने देते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, जिससे कि कढ़ी का रंग और भी गाढ़ा हो जाएगा। और जब ये जल जाएगा अच्छे से, गैस को ऑफ कर देंगे और गरम गरम कढ़ी पकौड़े में इसका तड़का हम लगा देंगे। इसको मैंने दूसरे बर्नर पे रखा हुआ है, जिससे कि वो धीरे धीरे अभी पक रहा है। और उसके अंदर हमने तड़का डाल दिया, ढक के रख दें। उसके बाद आप गार्निशिंग के लिए इस पे चाहें तो थोड़ी सी धनिया भी डाल दें और इसके चावल के साथ परोसें। चावल नहीं तो आप रोटी के साथ भी परोस सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट सी कढ़ी पकौड़ा बनती है। आई होप कि आपको ये पकौड़ा की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो बेसन और प्याज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं।